नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में क्लिक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो नाइजीरिया को लेकर आ रही है। दरअसल नाइजीरियन आर्मी एविएशन कोर MI-35 हेलीकॉप्टर रशिया से लेने पर विचार कर रही थी जो कि पहले से ही नाइजीरिया के एयरफोर्स में शामिल है। लेकिन आपको मालूम ही है कि अमेरिका ने रशिया के डिफेंस इंडस्ट्री पर सैंक्शन लगा रखा है और ऐसे में नाइजीरिया एयरफोर्स भारत निर्मित HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीद सकती है। भारत सरकार पहले से ही LCH के एक्सपोर्ट पर मंजूरी दे चुकी है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि रोटरी विंग एकेडमी HAL ने 6 नाइजीरियन आर्मी एविएशन ऑफिसर्स को फेज 1 फ्लाइंग ट्रेनिंग भी दी है और आने वाले समय में नाइजीरियन पायलट्स को आगे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि इतना तो तय है कि अब HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है नाइजीरिया की तरफ से, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री पर प्रतिबंध है रशिया के और ऐसे में ये मौका भारत के हाथ में। भारत ऑलरेडी इनके पायलट्स को प्रशिक्षण भी दे रहा है जो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि भारत पर नाइजीरिया काफी विश्वास करता है। बहरहाल आने वाले समय में ये बात क्लियर हो जाएगी कि नाइजीरिया कितनी संख्या में भारत के इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर को खरीदेगा। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि DRDO की तरफ से आ रही है। DRDO 2021 के अंत तक स्वदेशी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण पूरा कर लेगा और 2022 की शुरुआत में इसका डेवलपमेंटल ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और इसका वजन 15 किलोग्राम से कम होगा और इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सीकर भी लगाया जाएगा। साथ ही ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम 7 किलोमीटर के दायरे में फाइटर जेट, UAV और क्रूज मिसाइलों को भेजने में भी सक्षम होगा और इस तरह से स्वदेशी मैन पैड्स एक बूस्ट होगा भारतीय लोकल डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया मैन पैड भारत की आयात की निर्भरता को धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि इस वक्त भारत को सख्त जरूरत है इस तरीके के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे कि DRDO अपने युद्ध स्तर पर बना रहा है और इसके परीक्षण अगले साल से शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON को जारी किया है 50 टन के 212 टैंक ट्रांसपोर्टर्स के लिए। साथ ही इसमें कई तरीके के खास फीचर्स भी होने चाहिए, जिसमें कि सेंट्रल टैंक इन्फ्लेशन सिस्टम और किसी भी वातावरण में 50 टन तक के सैन्य साजो सामान को ले जाने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। साथ ही इस तरीके के जो टैंक ट्रांसपोर्टर्स हैं वो मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत ही बनाए जाएंगे। वहीं अगली डिफेंस अपडेट भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने एक RFI जारी की है हेलमेट माउंटेड पैरानोमिक नाइट विजन बाइनोकुलर्स के लिए, जिनका वजन 1 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए और साथ ही ये 4 सेपरेट इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब विद 4 सेपरेट ऑब्जेक्ट लेंस के साथ लैस होने चाहिए। साथ ही इनका फील्ड व्यू 100 डिग्री और वर्टिकल फील्ड व्यू 35 डिग्री तक होना चाहिए। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो टर्की को लेकर आ रही है। दरअसल टर्की एक ऐसे मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है जो कि S-400 के रडार को भेदने में सक्षम होगा। इस प्रोग्राम का नाम है वॉल्चर। इस प्रोग्राम के माध्यम से टर्की जिस मिसाइल को बना रहा है वो रूस के S-400 के रडार को खत्म कर सकेगी। और यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस वॉल्चर एंटी रेडिएशन मिसाइल को टर्की के TFX जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें भी लगाया जाएगा। वहीं जब ये बात रशिया को पता चली तो रशिया ने भी साफ तौर पर कह दिया कि जितना दम हो टर्की उतना लगा सकता है, लेकिन वो S-400 के रडार सिस्टम को भेद नहीं सकता है क्योंकि ये काफी सक्षम है। ऐसे में दोस्तों आप एक चीज और समझ सकते हैं कि आज की डेट में किसी देश को हथियार प्रणाली देना खुद के लिए भी एक तरह से खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना ने ये करके दिखा दिया। उसने रशिया अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा कर अपने फाइटर जेट अपने रडार सिस्टम बना डाले। ऐसे में अब टर्की भी यही काम करने लग गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में कितना मुश्किल है टेक्नोलॉजी शेयर करना और किसी के साथ हथियारों को बनाना। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ जो आ रही है पाकिस्तान और टर्की को लेकर। पाकिस्तान ने टर्की से मिलान क्लास की कोवेट्स और 31T-129 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के सौदे के बाद अब पाकिस्तान तुर्की से बैरकतर TB2 आर्म UAV खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान पर सहयोग और पाकिस्तान में तुर्की के निवेश पर भी चर्चा कर रहे हैं। इन दिनों तुर्की के सेना प्रमुख भी पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। साथ ही डिफेंस सोर्सेस ने कहा है कि पाकिस्तान के पास चीन के जरिए मिसाइल तकनीक है और उसके परमाणु बम गिराने वाले लड़ाकू विमान है जिसकी तुर्की को जरूरत है। पाकिस्तान लगातार तुर्की पर हमलावर ड्रोन विमान देने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन अभी तुर्की ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बदले में पाकिस्तान तुर्की को क्या देगा ये महत्वपूर्ण है। अभी फिलहाल दोनों देशों का मुख्य फोकस अफगानिस्तान पर है। तुर्की अफगानिस्तान में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी तरह से राजनीतिक और सैन्य रूप से तुर्की पाकिस्तान की करीबी बढ़ती जा रही है।
अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच भारत नेपाल बॉर्डर को पिछले साल ही सील कर दिया गया था। इसकी वजह से सीमा के आसपास लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में पिछले काफी समय से लोग सीमा को खोलने की मांग कर रहे हैं, कई बार इसको लेकर धरना भी दिया गया। अभी हाल ही में बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर नेपाली नागरिकों ने जमकर हंगामा काटा। हालांकि बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को हटाने के लिए एसएसबी ने लाठी भी भांजी। यही नहीं, ट्रक पर सवार होकर नेपाल के तराई क्षेत्र के नागरिकों ने भारत नेपाल की सीमा खोलने के लिए जमकर बवाल काटा। इस दौरान भारत के एसएसबी जवानों ने उन्हें शांत रहने और वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन ये नेपाली नागरिक नहीं माने और जबरदस्ती करने लगे। उसके बाद एसएसबी ने भी जमकर लाठियां तोड़ी इनके ऊपर, जिसमें कई नेपालियों को चोट भी आई है। हालांकि हंगामा को बढ़ते हुए देख नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की सहमति के बाद ही सीमा के दोनों ओर के नागरिकों के पैदल यात्रा के लिए रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन दोनों देशों की सीमा पर तैनात जवानों ने वाहन के आवागमन पर रोक लगाना बरकरार रखा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।